हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब एक्सरसाइज देखते हैं 1.2। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 140। अब 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो 140 को कैसे निकलेंगे? 140 का गुणनखंड वृक्ष बनाएंगे। चाहे तो आप इसके ऐसे गुणनखंड भी कर सकते हैं, 2 7 और 2 से फिर कट जाएगा 35 बार, 5। या आप चाहे तो गुणनखंड वृक्ष बना सकते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप या चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए। तो गुणनखंड वृक्ष कैसे बनाते हैं, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब जिससे भाग देना है वो यहाँ लिखेंगे, तो 2 से कितने बार गया, 2 7 14 0। अब इसके 2 गुणनखंड हो गई, 2 और 70। अब 70 को तोड़ना है, चाहे तो आप ऐसे करना है, चाहे आपको ऐसे करना है, एक ही तरह से करना है, ये समझाने के लिए बता दिया है। तो 2 से फिर चला जाएगा, कितने बार जाएगा, 2 3 6 2 5। अब इस 35 का फिर तोड़ लेंगे, 2 से नहीं जाएगा, कितने से जाएगा, 5 से। तो 5 7 35। अब लिखते कहते हैं कैसे हैं, अतः 140 बराबर ये वाले लिख देंगे 2 2 5 7। पहले 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 7। 140 बराबर ये 2 पर 2 की घात लिख देंगे और 5 गुणा 7, इसके ये हो गया गुणनखंड। 25, अब 3825 के गुणनखंड करेंगे, 3825। तो सबसे पहले देख रहे हैं इसमें कितने का भाग जा रहा है, देखो 8 3 11 12 13 13 5 18, 3 का चला जाएगा। तो पहले 3 का भाग दे रहा है इसमें, 3 1 3। अब इसमें देखें 3 2 6 बचा 2 3 7 21 बचा 1 3 5 15। फिर दोबारा से देखेंगे, अब इसमें फिर 3 का चला जाएगा, 3 का भाग जा रहा है, तो 3 6 12 और 3 2 6 बचा 1 3 5 15। अब 6 और 5 11, 3 का तो जाने वाला है नहीं इसमें, तो 5 का दे देंगे, 5 का जाएगा, तो 5 8 40 और 5 5 25। फिर 5 का चला जाएगा, 5 का इसमें लेंगे, तो 5 यहाँ लिख लेंगे और 5 1 5 और 5 7 35 लिख देंगे। अतः 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। आप चाहे तो इन्हें स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 12 तो 2 स्क्वायर लिख दो, 5 0 0 5। तो इसके हम गुणनखंड करेंगे, 5 0 0 5। अब देखो इसको इसमें देखते हैं कितने का भाग जाएगा, 2 का तो जाने वाला है नहीं, इकाई का नहीं, 3 का 5 10, 3 का भी नहीं जाएगा, जोड़ के 10 आ रहा है, 3 का नहीं जाएगा, और उसके बाद 5 का चला जाएगा। तो 5 का भाग देते हैं इसमें, 5 का इकाई का अंक है इसलिए, तो 5 1 5 0 0 और 1। अब इसमें फिर देखना पड़ेगा कितने का भाग जाएगा,
तो उसके बाद सात देखते हैं, इन संख्याओं से देते हैं अभाज्य संख्याओं से, दो से, तीन से, पाँच, सात, ग्यारह, तेरह, ऐसे आगे सत्रह, फिर उन्नीस। तो देखो दो का नहीं जाएगा, इसमें तीन का भी नहीं जाएगा, पाँच का तो चला जाएगा नहीं, सात का देखते हैं। सात एक सात, सात चौक अट्ठाईस, सात इक्कीस, सात का चला जाएगा। तो सात से कितने बार जाएगा, सात एक सात बचा तीन, और सात चौक अट्ठाईस, बचा दो, और सात दिया इक्कीस। अब इसमें देखो सात का दोबारा नहीं जाएगा। अब ग्यारह का देखे देखते हैं, तो ग्यारह एक ग्यारह दिया तैतीस, तो इसमें ग्यारह का भाग चला जाएगा, ग्यारह एक ग्यारह बचा तीन, और ग्यारह दिया तैतीस। तो कैसे लिख सकते हैं, अतः पाँच जीरो जीरो पाँच बराबर, तो ये लिख देंगे प्रिय प्रिय प्रिय, पाँच गुणा सात गुणा ग्यारह गुणा तेरह, तो इस तरह से ये आवाज गुणन है, इसके भी हो गए। तो सत्रह का भाग देखे देखते हैं, इसमें सत्रह से कितने बार जा रहा है, तो सत्रह या क्या, सत्रह चौक अड़सठ छ, और यहाँ बचा दो, बासठ हो गया, और सत्रह दिया इक्यावन, तीन बार दिया, और यहाँ पे बचा आपका एक और एक उन्नीस, और सत्रह सत्ते एक सौ उन्नीस। सत्रह का दोबारा इसमें जाएगा कि नहीं, सत्रह दूरी चौंतीस, और बचा आपका नहीं जाएगा। अब उन्नीस का देखे देखते हैं, उन्नीस एक उन्नीस, और उन्नीस दिन अड़तीस, उन्नीस के सत्तावन, उन्नीस दो ही अड़तीस, पाँच का उन्नीस, उन्नीस का चला जाएगा। तो उन्नीस से देखे देखते हैं, उन्नीस दूनी अड़तीस, बचा पाँच, और उन्नीस दिया सत्तावन। तो ऐसे इसके गुणनफल हो जाएंगे चौहत्तर, उनतीस बराबर सत्रह गुणा उन्नीस गुणा तेईस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दो, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में HCF और LCM ज्ञात कीजिए, यानी हमें LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, हमें ये जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। दूसरे का पहला क्वेश्चन है आपका, एक तो 26 है और इक्यानवे। देखो पहले हम इसे गुणनखंड विधि से करेंगे, 26 के पहले गुणनखंड कर ले रहे हैं, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो गुणनखंड ब्रश से कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। तो तीन दो से कट जाएगा, दो एक दो, और दो चौक दो दिया छः, और ये तेरह, ये तेरह दूनी 26, और इक्यानवे के कर लेना है, तीन से जाएगा नहीं, पाँच, सात, सात से चला जाएगा, सात एक सात, और सात दिया 21, तेरह बार चला गया। तो यहाँ पे देखते हैं 26 के गुणनखंड यहाँ लिख लेंगे, दो गुणा तेरह, और इक्यानवे के गुणनखंड यहाँ लिख लेंगे, तो आपका हो जाएगा सात गुणा तेरह। तो यहाँ पे जब HCF निकालेंगे तो HCM में केवल मिले मिले लिखते हैं तो तेरह आ जाएगा, और LCM निकालेंगे तो LCM में पहले मिले मिले लिख लेते हैं, बाकी जो बचते हैं सब लिख लेते हैं। तो सात दूनी चौदह, और चौदह दिया बयालीस, हासिल चार, और चौदह का चौदह चार अठारह। अब इसकी हमें जांच करनी है, जांच क्या करते थे,
पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। देखो पहली संख्या कितनी थी हमारी 26 और दूसरी संख्या कितनी थी 91, तो आपकी LCM कितना हो गया 182 और HCF का मान कितना है 13। पहले गुणा कर ले रहे हैं, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104 और 2 106, हासिल 10 और 13 का 13 10 23। अब इनका गुणा कर ले रहे हैं 26 91 का 9 6 54 18 5 23 तो 6 6, ये भी कितना 23 66। तो यहां से लिख सकते हैं हम कि LHS बराबर RHS, इसका मतलब हमने जो HCF और LCM निकाले थे वो हमारे